इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जाता है जहां इंसान एक अननेचुरल पोर्टल खोल देता है जिसके जरिए राक्षस धरती पर आकर तबाही मचाने लगते हैं, जिस पर धरती पर मौजूद नेक्रोमैन अपनी जादुई शक्तियों से इंसानों की मदद करते हैं। लेकिन अब राक्षसों ने इंटरनेट से ट्रैवल करना सीख लिया है जिससे वो किसी की फोन के जरिए उनके शरीर में घुस सकते थे। इसके बाद हमें हॉवर्ड और रिंगी नाम के दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि नालियों की सफाई कर रहे थे। काम खत्म करके रास्ते में जाते हुए रिंगी हॉवर्ड को एक खास गेम दिखाता है जिसके अंदर लोग भूत पकड़ सकते थे। उस गेम को खोलने के साथ ही उसकी पूरी जानकारी एक सर्वर में चली जाती है। उधर सर्वर रूम में एक औरत आकर एक बटन दबा देती है जिसके साथ ही वहाँ कुर्सी पर बंधा हुआ आदमी तड़पने लगता है। वहीं उधर रिंगी तो भूत ढूंढने में लगा होता है लेकिन उसे अभी तक कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक रिंगी के फोन में पास ही एक भूत दिखाई देता है जिसे पकड़ने के लिए रिंगी जैसे ही बटन दबाता है उसके साथ ही हॉवर्ड को एक जोर का झटका लगता है। लेकिन उसे ये कोई माइग्रेन का हल्का पेन लगता है इसलिए वो जल्दी से अपनी दवाई ले लेता है। तभी उसकी नज़र खंभे पर लगे एक खास बॉक्स पर पड़ती है। रिंगी के मुताबिक ये नेक्रोपॉड था जो इस गेम को चलाने में मदद करता है। लेकिन हॉवर्ड को वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वही सर्वर वाली औरत कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही होती है जो उन सभी को नेक्रोपॉड को शहर के हर कोने में जल्दी से जल्दी लगाने कह रही थी। जिसके अगले सीन में हमें शहर में तीन लोग पोजेस्ड इंसानों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो अपना काम खत्म करके वैन में आकर बैठ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि शहर में मौजूद नेक्रोमैन को कोई मार रहा है। उनका मानना था कि इसके पीछे फिंगन नाम की एक औरत का हाथ होता है। उधर रिंगी अभी भी अपने फोन से भूत ढूंढने में लगा होता है और जैसे ही वो अपना फोन हॉवर्ड की तरफ घुमाता है तो वो हैरान रह जाता है। असल में हॉवर्ड के चेहरे पर एक अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी और जैसे ही रिंगी ने बटन दबाया तो हॉवर्ड को एक बहुत तेज झटका लगता है जिससे वो गाड़ी से बाहर जाकर गिरता है। ऐसा होते ही उन तीनों के साथ उस औरत को भी हॉवर्ड की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है और उस औरत ने तुरंत ही पास खड़े एक आदमी के अंदर एक राक्षस भेज दिया जिसने तुरंत हॉवर्ड पर हमला कर दिया। लेकिन तभी हॉवर्ड के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई जिससे वो बड़ी आसानी से उस आदमी को खत्म कर देता है। लेकिन वो थककर बेहोश हो जाता है जिसे वो लोग आकर ले जाते हैं। वही जब हॉवर्ड को होश आता है तो वो आदमी अपना नाम लूथर बताता है। वहीं वो दोनों लड़कियां उसकी बेटी होती हैं जिनका नाम मॉली और टॉर्क्वेल होता है। लूथर के मुताबिक हॉवर्ड के पास एक खास शक्ति है जिसकी मदद से वो राक्षस को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर सकता है और ये ताकत उसे अपने माँ बाप से मिली है। इसके बाद लूथर उसे उसके माँ बाप के बारे में बताता है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेक्रोमैन थे। लेकिन जब राक्षसों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हॉवर्ड की माँ फिनेगन ने इंटरनेट पोर्टल में घुसकर इसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन राक्षस उल्टा उनके शरीर पर ही कब्जा कर लेते हैं जिससे फिनेगन ने नेक्रोमैन को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन हॉवर्ड तक पहुंचने से पहले ही उसके डैड ने हॉवर्ड के सर में एक चिप लगा दी जिससे उसकी ये शक्तियां दुनिया से छुपी रहे। अभी हॉवर्ड को ये सब समझ ही आता कि उससे पहले ही मॉली उन्हें बताती है कि फिनेगन के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाहर भागने की कोशिश में फिंजी को एक गोली लग जाती है जिससे हॉवर्ड को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसने अनजाने में एक जादू कर दिया, जिस पर लूथर तुरंत ही दोनों से हॉवर्ड को वहां से ले जाने को कहकर खुद पीछे रुककर फिनेगन का सामना करने लगता है। पर फिनेगन बड़ी आसानी से लूथर को खत्म कर देती है। उधर जब वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हॉवर्ड वहां से भागने की कोशिश करता है जिससे वो पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाता है। उधर जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि रिंगी छत पर चिपका होता है जो देखकर वो काफी डर जाता है। पर फिर रिंगी उसे बताता है कि वो एक भूत बन चुका है। तभी रिंगी को किसी के आने का एहसास होता है और वो तुरंत ही छिप जाता है, जिसके बाद फिनेगन एक पोजेस्ड डॉक्टर के साथ वहां आती है और वो हॉवर्ड को अपना बेटा बताते हुए उसे अपने साथ चलने को कहती है। वो चाहती थी कि हॉवर्ड दुनिया पर कब्जा करने में उसका साथ दे। इसके लिए वो एक खास डिब्बा भी लाई थी जिसके अंदर एक राक्षस कैद होता है। तभी मॉली और टॉर्कल वहां आकर फिनेगन को वहां से भगा देती है। असल में मॉली चाहती थी कि हॉवर्ड दुनिया को बचाने में उनका साथ दे, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद वो हॉवर्ड और रिंगी को एक बिल्डिंग में लेकर गए जहां मॉली उसे बताती है कि उसके मुताबिक फिनेगन पूरे शहर में पेंटिगन सर्कल बनाना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके। उसे रोकने के लिए उन्हें नेक्रोपॉड को समझना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने एक नेक्रोपॉड को चोरी करने का फैसला किया। सबसे पहले वो हॉवर्ड को एक ट्रैप बॉक्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक राक्षस की आत्मा थी, जिसे एक पोर्टल में डालने के बाद वो आत्मा अपने असली रूप में आती है, जिसके बाद प्लाज्मा गन की मदद से उस राक्षस को खत्म किया जा सकता था। और हॉवर्ड ने बड़ी आसानी से राक्षस की आत्मा को पोर्टल में डाल दिया। वही उसके असली रूप में आते ही मॉली उसे खत्म कर देती है। इसका पता जब फिनेगन को चलता है
तो अपनी फौज को तैयार कर लेती है। उधर वो लोग एक नाली की मदद से नेक्रोपोर्ट पहुंचकर टॉरकिल सबसे पहले रैथ को खत्म करेगी। वही हॉरवर्ड एक बम फोड़कर कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर देगा ताकि रैथ इसकी खबर फिनिगन तक ना पहुंचा सके। इसके बाद मॉली नेक्रोपोर्ट को हॉरवर्ड को दे देगी। वही जब ये लोग उस नेक्रोपोर्ट के पास पहुंचे तो रिंगी ने मजाक में हॉरवर्ड को डरा दिया, जिस वजह से धमाका जल्दी हो गया जिससे टॉरकिल का निशाना चूक गया, जो देखते ही रैथ ने फिनिगन को इस हमले की जानकारी दे दी। लेकिन मॉली फिर भी प्लान के मुताबिक उस नेक्रोपोर्ट को काट रही थी। तभी रैथ हॉरवर्ड पर हमला कर देता है जिसे टॉरकिल बीच में आकर बचा लेती है। उसी वक्त फिनिगन ने पास में ही चल रहे एक आदमी के अंदर एक आत्मा भेज दी जो कि हॉरवर्ड का पीछा करना शुरू कर देता है। उधर जैसे ही मॉली वो नेक्रोपोर्ट नीचे फेंकती है तो वो सभी राक्षस नीचे कूद जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिससे हॉरवर्ड के सभी साथी बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद फिनिगन एक बार फिर उससे साथ देने को कहती है, जिसका जवाब हॉरवर्ड अपनी शक्तियों से देता है, जिस वजह से फिनिगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं वापस आकर जब मॉली उस नेक्रोपोर्ट को खोलती है तो वो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि असल में उस नेक्रोपोर्ट के अंदर नेक्रोमैन का एक सर होता है। वो सर उसके अंकल डेव का था, जिससे जवाब करने पर उन्हें पता चला कि हर नेक्रोपोर्ट के अंदर एक नेक्रोमैन का सर है, जिससे फिनिगन लगातार नेगेटिव एनर्जी से चार्ज कर रही है। असल में वो एक पेंटागन सर्कल बनाना चाहती है ताकि वो हर एक आत्मा को काबू कर सके। इसकी मदद से वो पूरे इंटरनेट पर कब्जा पा लेगी, जिसके बाद पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी, जो सुनकर मॉली उस नेक्रोपोर्ट को खत्म कर देती है। वहीं वो फिनिगन की ही तरह पोर्टल के अंदर घुसकर पूरे सिस्टम को तबाह करने का फैसला करती है। इसके बाद वो लोग तुरंत सर्वर सिस्टम के पास पहुंच जाते हैं, जिससे मॉली अंदर जाने ही वाली होती है तभी टॉरकिल आगे आकर खुद को सर्वर में भेज देती है। ये देखकर मॉली काफी ज्यादा घबरा जाती है, पर टॉरकिल सही सलामत अंदर पहुंच जाती है। अब वो तेजी से सर्वर के सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, जिसका पता उधर फिनिगन को चल जाता है और वो भी तुरंत सर्वर के अंदर घुसकर टॉरकिल का पीछा करने लगती है, जो देखकर मॉली काफी ज्यादा डर जाती है और वो हॉरवर्ड से टॉरकिल को बचाने को कहती है। लेकिन अभी उसे जादू ठीक से नहीं आता था, इसीलिए उसकी एक गलती से टॉरकिल की जान चली जाती है। अपनी बहन की लाश देखकर मॉली को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था और उसे शक था कि हॉरवर्ड अपनी ही माँ का साथ दे रहा है। पर तभी रिंगी को ट्रैप बॉक्स में एक आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने उस आवाज को सुना तो उन्हें पता चलता है कि वो आवाज टॉरकिल की थी, जो हॉरवर्ड की शक्तियों से उस ट्रैप बॉक्स में फंस गई थी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत पोर्टल की मदद से टॉरकिल को बाहर निकाला। बाहर आकर टॉरकिल उन्हें बताती है कि उसे पूरे सर्वर का मैप याद हो गया है और वो उनके छुपने के ठिकाने को जान चुकी है। साथ ही अब उसके नए शरीर के पास एक खास ताकत है, जिससे आग के पास जाने पर धमाका होता है। इसीलिए टॉरकिल उस ऊंची बिल्डिंग पर हमला करने का फैसला करती है, जो सर्वर का सेंटर था। उस बिल्डिंग में पहुंचते ही टॉरकिल ने रिंगी की मदद से सभी को मारना शुरू कर दिया और वहीं दूसरी तरफ मॉली और हॉरवर्ड मेन फ्रेम रूम में पहुंचकर वो एक ट्रैप बॉक्स को सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं। वहीं उधर वो पेंटागन पूरा हो जाता है, जिससे फिनिगन खुद को सर्वर से जोड़ लेती है, जिससे पूरे शहर के लोगों की आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। दूसरी तरफ जैसे ही टॉरकिल ऊपर पहुंची तो एक आदमी ने प्लाज्मा कैनन से उस पर गोली चला दी, जिसके बाद वो उसे फिनिगन के पास ले गए, जहां जाते ही टॉरकिल आग जला देती है, जिस वजह से वहां एक धमाका हुआ। इस धमाके में फिनिगन का पूरा शरीर तबाह हो गया और फिर टॉरकिल और फिनिगन दोनों की आत्मा सिस्टम में चली गई। अब हॉरवर्ड की बारी थी, जो फिनिगन की आत्मा को एक ट्रैप बॉक्स में कैद करना चाह रहा था, लेकिन वो ट्रैप बॉक्स ही टूट जाता है, जिस पर मॉली फिनिगन की आत्मा को अपने शरीर में बुलाने का फैसला करती है। पर जैसे ही हॉरवर्ड ने फिनिगन की आत्मा को मॉली के शरीर में डाला तो उसने हॉरवर्ड पर ही हमला कर दिया। लेकिन अब हॉरवर्ड ने गलती ना करते हुए मॉली के सूट पर लगे हुए बटन को दबा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद वो मॉली को वैन में ले जाकर फिनिगन की आत्मा को एक ट्रैप बॉक्स में कैद कर लेता है। अब वो लोग उसे लेकर अपनी लैब में पहुंच जाते हैं, जहां हॉरवर्ड ने फिनिगन की आत्मा को पोर्टल में भेज दिया। पर पोर्टल में आते ही वो लोग देखते हैं कि उसने टॉरकिल को पकड़ रखा था, जिसके बाद अब वो उन सब पर हमला करने लगती है, जिसके साथ ही वो मॉली पर हमला करके उसका एक हाथ काट देती है। इसे हॉरवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी शक्ति से उस राक्षस पर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वही उल्टा वो राक्षस हॉरवर्ड की आत्मा को कैद करने की कोशिश करने लगती है, जिस बीच मॉली मौका पाकर प्लाज्मा गन से फिनिगन की आत्मा को खत्म कर देती है, जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।